हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम पाइथन के द्वारा स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को कैसे यहां पर फाइंड कर सकते हैं, और हमारे जिन साथियों को पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी यहां पर मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा चैट जीपीटी के द्वारा यहाँ पर आप कैसे स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को फाइंड करने के लिए कोड लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत बेसिक पाइथन का नॉलेज होना चाहिए बस। इसके बाद हम आज के वीडियो में हम केवल स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हायर हाइज हायर लो या हमारा ट्रेंड का हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि कहाँ पर जो हमारे हायर हाइज और हायर लोज जो बन रहे हैं वो कहाँ पर हमारा फेल हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा प्राइस अपसाइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर बेंड होता है यहाँ पर, या हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता है, तो वो हम किस प्रकार से यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ साथ ट्रेंड लाइन प्लस हमारा जो डिफरेंट टाइप के हमारे पैटर्न्स होते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इनके लिए हम पाइथन पे किस प्रकार से कोड लिख सकते हैं वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। या हमारा फ्लैग पैटर्न हुआ, प्राइस है ना, रेंज ब्रेकआउट, तो इस टाइप के जो डिफरेंट हमारे पैटर्न्स हैं वो हम आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि स्विंग हाइज एंड स्विंग लो को हम यूजिंग पाइथन और यूजिंग चैट जीपीटी दोनों ही तरीके से मैं बताऊंगा और किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी नोटबुक है और यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज इम्पोर्ट है, तो वो हम कर लेते हैं इनको इम्पोर्ट। और ये देखिए ये हमारा कोड है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, ये देखिए हम यहाँ पर हमारा डेटा गेट डेटा फंक्शन है, और ये फंक्शन हमने आने वाला हमारी कई वीडियोस में यूज़ किया है, तो वही फंक्शन है यहाँ पर। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ से हम डेटा लेते हैं। तो डेटा हम ले रहे हैं 1 मार्च से लेके 24 मई तक का, हम यहाँ पर डेटा लेते हैं रिसेंटली, और ये डेटा की कॉपी हमने करी है। और यहाँ पर हमारा DF नाम का जो हमारा फ्रेम है उसके अंदर ये आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये हमारा डेटा आ गया है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का डेटा है हमारा, और इसमें हम चलते हैं नीचे। उसके बाद ये तो सिंपल कोड लिखा है, ये हमारा शो कर देगा पूरा लाइन चार्ट में, ये दिखा दिया ये हमारा डेटा शो हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं, यदि SciPy जो आपकी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है तो एनाकोंडा में, तो आपको ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। और इसी की हमारे पास SciPy जो हमारी लाइब्रेरी, उसमें सिग्नल लाइब्रेरी, वहाँ से हमारे पास दो फंक्शन होते हैं यहाँ पर, एक तो है arg rel extrema और एक है हमारा find peak फंक्शन। ये दो फंक्शन की मदद से हम स्विंग हाई और स्विंग लो फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से। तो सबसे सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, arg rel extrema ये हमारा जो फंक्शन है, ये आप इसकी लाइब्रेरी भी आप पूरा इसका पढ़ सकते हैं, इसके अंदर में जो पैरामीटर पास करना है वो देख सकते हैं। जैसे हमें डेटा पास करना है, जिस वो डेटा हम यहाँ पर पास करते हैं जिसमें हमें हाई लो या जो भी आपको फाइंड आउट करना है, ऑर्डर है, एक्सेस है, कौन सी एक्सेस पे चलाना है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसका एक और फंक्शन है फाइंड पीक, इसके द्वारा भी ये जो फंक्शन है हमारा फाइंड पीक, इसके द्वारा भी हम जो स्विंग हाई स्विंग लो ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ इसको यहाँ पर क्या इम्पोर्ट। उसके बाद ये फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया है। अब हमारे पास जो डेटा फ्रेम है यहाँ पर हमारे पास, देखिए हम जो हमारा डेटा फ्रेम है यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज मिल रही है हमें, यहाँ पर ओपन है हमारे पास, हाई है, लो है, क्लोज है, ठीक है। हमें अगर स्विंग हाई जो फाइंड करना है तो हमें हाई वाले कॉलम की नीड रहेगी यहाँ पर। यदि हमें स्विंग लो फाइंड करना है तो हमें यहाँ पर लो वाले जो कॉलम है उसकी नीड रहने वाली है। तो नीचे आते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर DF, ये तो हमने यहाँ पर DF हाई, मतलब जो हमारा डेटा फ्रेम है उसकी हाई वाली वैल्यूज हमने यहाँ पर पास कर दी है। उसके बाद NP ग्रेटर, इसमें लिखा है हमने NP ग्रेटर, तो NP जो हमारा नमी पाई है उसका ऑब्जेक्ट है, और जो भी हमें ग्रेटर जो बड़ी वैल्यू मिलेगी को कहाँ से मिलेगी बड़ी वैल्यू, ऑर्डर फाइव से मतलब यहाँ पर है कि ये हमारा क्या करेगा, 5 कैंडल्स देखेगा। जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, तो इसके लेफ्ट साइड पे 5 कैंडल्स और इस साइड की हमारी 5 कैंडल्स, यहाँ पर चेक करेगा और उनमें जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी बड़ा होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करके देगा।
इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको आप 3 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, आपको जो भी करना हो। आपको जितनी भी आपको यहाँ पर कैंडल्स को चेक करना है लेफ्ट एंड राइट साइड में, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 3 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसे करते हैं क्या, एग्जीक्यूट, दोनों को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ से मुझे जो भी मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू है वो मिलेगी आईडी मैक्स में, और जो भी हमें मिनिमम मतलब जो हमारे लो वाली कैंडल्स होंगी तो उनके इंडेक्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे आईडी मिन में। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिल गया। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, जैसे मान लीजिए ये तो अब मैं डेटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पर क्या है DF है, जो हमारा डेटा फ्रेम है DF.ILOC ऑपरेटर का यूज़ किया है। इसके अंदर हमने आईडी यहाँ पर असाइन कर दी है। अगर जैसे आपको ये देखना है आईडी मैक्स और आईडी मिन के अंदर है क्या, तो हम यहाँ पर देखते हैं आईडी मैक्स, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारे पास एक एरे है और यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स वैल्यूज़ है। तो इस इंडेक्स वैल्यूज़ पर हमें जो हमारा हाई हमें मिला होगा, फाइंड हुआ होगा, ऐसे ही आईडी मिन में। तो यहाँ पर क्या करा हमने, df.i लोकेशन, कौन सी लोकेशन पर, आईडी मैक्स वाली लोकेशन पर हमें क्या दिखाना है, हाई की वैल्यूज चाहिए ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो जितने भी हमारे हाई हैं पॉइंट्स बने होंगे तो ये हमें मिल जाएंगे। ये देखिए जैसे हमारा 30 अप्रैल को हाई लगा था एक लास्ट में 49,974 का, तो आप देख सकते हैं चार्ट पर ये हमारा है 30 अप्रैल, और जो इसका हाई है, इसका जो हाई है वो देख सकते हैं आप 49,974.75 का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हाई लगा था। ऐसे ही यदि हमें लो देखना है तो वापस आते हैं हम यहाँ पर आईडी मिन, ये तो हमें दिखाएगा इंडेक्स वैल्यूज और आईडी मिन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। हमें मिनिमम मतलब लो वैल्यूज देखना है, तो हमें लो वाले कॉलम में देखना है। और तो आईडी मिन लिख दिया है, आईडी मिन ही था ना, हाँ। और वैसे रन करता हूँ तो यहाँ पर जो लो लगा है वो हमारा 22 मई को लगा है 47,435 का, 22 मई है ना, कहाँ है चार्ट हमारा, 22 मई 13-19, ये रहा 22 मई, ये 22 मई का है। और यहाँ पर हमारा जो लो लगा है वो क्या लगा है हमारा 47,435 का, 47,435 का यहाँ पर हमें लो लगा है। तो ये हमें मिल गया क्योंकि हमने ऑर्डर यहाँ पे 3 दिया था, इसलिए इसने 3 कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे चेक कर लिया है। तो ये देखिए ये और इधर की 3 कैंडल्स, इस प्रकार से ये जो हमारा है काम करता है। यदि हम इसे बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू यदि हम बढ़ा देंगे ऑर्डर की, तो यहाँ पर ये 5 कैंडल्स को देखेगा और फिर जो हमारे लोअर, तो यहाँ देखिए हमें एक मिनट में से फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हाई तो वही है पर यहाँ लो में शायद चेंजेस हो जाएंगे हमारे, शायद नहीं चेंजेस हो ही जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो लो मिला था हमें अभी 22 मई वाला, वो यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ पर 5 कैंडल्स यहाँ पर मिली नहीं है इंक्लूडिंग इसको। 5 कैंडल्स अगर यहाँ मिल जाती 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 2 दिन बाद ये वाला लो फिर यहाँ पर हमें दिखने लगेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो फाइंड कर सकते हैं। अब यदि आपने यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो फाइंड कर लिया है तो फिर यहाँ पर हम प्राइस हमारा हायर हाइज बना रहा है या प्राइस हमारा लोअर लोज बना रहा है, ये भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंडीशंस लगानी पड़ेगी, हमें लास्ट के 2 स्विंग हाई और स्विंग लो को कंपेयर करना पड़ेगा कि ये ग्रेटर देन इससे एंड ये ग्रेटर देन इससे, देन हमारा हायर हाइज बन रहा है, देन हमारा लोअर लोज बन रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने खुद के लॉजिक भी लगा सकते हैं, और बाकी मैं तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर बताऊँगा ही सही। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर अपन, यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि ये डेटा 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आते हैं अपन। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे पास डेटा आ गया है ये, और इसकी DF में कॉपी भी कर लेते हैं, और अगर इसको शो करना है तो शो कर दिया तो ये बहुत ही बुरा सा देखेगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है और जगह इसके लिए कम है। तो इसका साइज़ कम करके शो करेंगे तो अच्छे से स्विंग पॉइंट्स यहाँ पर दिखेंगे फिर हमें। ये तो खैर इम्पोर्ट है ही। अब यहाँ पर हम जो हमारे जो स्विंग से वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं।
और इसमें एक चेंज और करते हैं, अपन एक काम करते हैं इसकी डेट को और बढ़ा देते हैं और आज की तारीख यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारे पास करंट का पूरा डेटा आ गया है 2:15 तक का 28 तारीख को, ठीक है। और अब इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर और नीचे हम यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे स्विंग हाई आईडी मैक्स आईडी मेन यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। तो इतनी सारे हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं हाई के लिए, और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया है अपन ने, और ये जितनी भी वैल्यूज थी अपन ने, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज थी वो इसमें असाइन कर दिए। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो स्विंग हाई हमारे वो शो कर रहे थे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया स्विंग हाई और इसको असाइन कर दी पूरी वैल्यूज। तो यदि अब हम इसको क्या करें, प्रिंट करें, यहां पर स्विंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, फिर से लिख देता हूं स्विंग हाई, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट करते हैं और यहां पे लिखता हूं स्विंग हाई। तो ये देखिए हमारे ये स्विंग हाई यहां पर आ गए। अब मान लीजिए मुझे यहां पर क्या करना है, लास्ट के टू कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स नहीं, लास्ट की टू वैल्यूज चाहिए मुझे यहाँ पर। जैसे ये लास्ट स्विंग पॉइंट ये हमारा 49,327, ये जो है हमारा लास्ट का स्विंग हाई है। तो अपन देखते हैं चलकर चार्ट पर, ये हमारा चार्ट है और यहाँ पर हम देखें तो क्या था वो, वापिस चले हम, क्या था 49,327 12:45 पर 28 मई को। तो 12:45, तो ये वाली वो कैंडल है हमारा, ये जो हमारा था 49,327, ये जो हमारा हाई है। ऐसे ही यदि हम लो को देखें तो लो भी हमारा ये सेम हमने किया, यहाँ पर लो की वैल्यू वैल्यू यहाँ पर स्विंग लो नाम के एक वेरिएबल में यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, लास्ट की टू वैल्यूज को कंपेयर करना है या लास्ट की क्या वैल्यू है वो निकालना है। तो यहाँ पर हम सीधा सा आई लॉक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो यहां पर देखिए 49,688, तो ये जो हमारा है लास्ट का हमारा स्विंग पॉइंट हो गया, लास्ट से पहले वाला। अगर लास्ट चाहिए तो -1 लिखना पड़ेगा ना, ये 49,327। यदि आपको इससे पहले वाला स्विंग चाहिए तो हमें 2 लिखना पड़ेगा माइनस, और इससे भी पहले वाला कोई स्विंग चाहिए आपको तो 3 लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम अपने स्विंग पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक स्विंग पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो जैसे उसके पहले हमारा जो स्विंग पॉइंट है वो ये निकला होगा तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम जो हमारे लास्ट के स्विंग हाइज हैं और स्विंग लोज हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ से स्विंग लो पता पड़ जाएगा। तो लास्ट में जो हमारा स्विंग हाई है स्विंग लो, स्विंग लो, तो स्विंग लो है हमारा 49,059 और -2 लिखा है ना, -1 करते हैं। आखिरी स्विंग जो है हमारा वो है 49,086। तो 49,086 ये जो है हमारा वो लास्ट का स्विंग है। यहाँ पे यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो फिर हमारे जो स्विंग्स हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, फिर वो 5-5 कैंडल के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन के थ्रू। इसी प्रकार से हम ये हमने आर वेल एक्सट्रीम फंक्शन का यूज़ किया है। इसी प्रकार हम फाइंड पीक्स एक फंक्शन होता है साईपाई लाइब्रेरी सिग्नल में ही, साईपाई जो है उसी की सिग्नल लाइब्रेरी के अंदर फाइंड पीक एक फंक्शन है, उसके थ्रू भी हम सेम काम कर सकते हैं। और आप अगर सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो आपको कई फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे, वो सीधा हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज है और हमें अपने लॉजिक को बिल्ड करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी की यहाँ पर हेल्प हम ले सकते। तो ये देखिए हमारा चैट जीपीटी है और यहाँ पर हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए राइट पाइथन कोड फॉर फाइंड स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, ये कोड की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई पर वो फिर भी सर्च कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने ये एंटर किया
तो अब इसने लिखना कुछ चालू किया है और यहाँ पर देखिए हमारा पूरा एक फंक्शन ये राइट कर रहा है। तो ये देखिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो फाइंड करने के लिए इसने फंक्शन लिख के दे दिया चैट जीपीटी ने। अब क्या होता है यहाँ से हम डेटा मतलब हमारा जो भी कोड मिल रहा है वो हम कॉपी तो कर सकते हैं पर उसमें थोड़े बहुत हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए हमें पाइथन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक और लिखा राइट पाइथन कोड फॉर EMA क्रॉस ओवर, तो यहां देखिए इसने फिर से हमें कोड लिख के दे दिया है और पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया है स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया है। तो यहाँ देखिए हमारा ये पूरा हमारा क्रॉसओवर के लिए यहाँ पर एक कोड इसने लिख के हमें दे दिया है। तो चलिए आते हैं वापस नोटबुक पर। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक फंक्शन है और ये फंक्शन मैंने चैट जीपीटी से कॉपी किया हुआ है, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ देखिए पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, कॉपी तो कर रखा है हमने पर ये देखिए हमारा टाइटल केस में दी है क्लोज, ये जो कॉलम के नेम है यहाँ पर टाइटल केस में है और जबकि हमारे जो कॉलम्स हैं उनके नाम यहाँ पर स्मॉल केस में, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सी कर दिया मैंने इसको क्लोज स्मॉल में। तो ये सभी जगह मैंने यहां इसको चेंज कर दिया और इसे एग्जीक्यूट करता हूं और अब मैं इसको यहां पर प्रिंट कर लेता हूं। ये डेटा में तो हमने DF पास कर दिया है, बाकी लुक बैक कैंडल ये 5-5 कैंडल्स देखेगा। लुक बैक क्या है यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, नंबर ऑफ पीरियड टू लुक बैक एंड फॉरवर्ड टू डिटरमाइन स्विंग, स्विंग को डिटरमाइन करने के लिए आगे और पीछे की कितनी कैंडल्स आपको देखना है। तो ये हमारा लुक बैक कैंडल्स। तो ये हमारा कोड यहाँ पे रन हुआ है और जो हमें स्विंग मिले हैं तो 28 मई को 1 बजे हमें मिला है स्विंग मिला है 49288 का। तो चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 बजे के आसपास ये 1 बजे का कैंडल है हमारा और 49288 ये वाला जो पॉइंट है हमें ये मिला है यहाँ पर जबकि होना तो ये चाहिए था हाई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम कोड कॉपी करके लाए हैं वो हमारा क्या कर रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर काम कर रहा है। यदि आपको हाई और लो यूज़ करना है कॉलम्स तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया हाई विंडो के लिए, यहाँ पर हमने लिखा लो, अरे हाँ लो, और यहाँ भी हमारा क्या आएगा ये हाई पॉइंट, स्विंग हाई पॉइंट चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा हाई। यहाँ भी क्या आएगा हमारा हाई, ये हमारा स्विंग लो के लिए, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा क्या कौन सा कॉलम यूज करेंगे यहाँ पर लो। तो इस प्रकार से हमें कहीं से हम कोड कॉपी लाते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कहाँ क्या चेंज करना है और फिर उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और इस बार हम फिर से स्विंग हाई इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो अब जो हमारा लो निकला है 49327 का निकला है वो हाई और हमारा जो लो है वो लास्ट वो है 49086 पर। तो हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए हमारा हाई है 49327 का ये मिला है और जो हमें लो मिला है वो हमें ये मिला है 49086 का, तो वो हमें यहाँ पर लो मिल रहा है। देखिए प्रीवियस हाई प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो हमें यहाँ मिला है, उसके पहले का लो ये था उसके पहले का हाई ये था। तो इस प्रकार से हम चैट जीपीटी का यूज़ करके भी कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।